ये बताइए कि सूरत में जिस तरह से इस चुनाव में बीजेपी का उम्मीदवार निर्विरोध जीता, विपक्ष कह रहा है लोकतंत्र की हत्या है, कैसे आप इसको देखते दीपांजी हैं? मुझे एक बात बताइए, चुनाव नियमों से चलेगा या नियम के बगैर चलेगा? आप बताइए ना जरा। बिल्कुल नियमों से चलना चाहिए ना, जी, तो ये नियम हमारे एक समय में नहीं बने, इनकी दादी के पिताजी के समय बने हैं। और मैं इसको बुरा नहीं मानता कि हर पार्टी ने अपने वफादार व्यक्ति को ढूंढकर टिकट देना चाहिए जो विड्रॉ ना करें। अब यहां इनके पास ऐसे लोग ही नहीं है, विड्रॉ कर लेते ठीकरा हम पर फोड़ते। और ये पहली बार निर्विरोध नहीं चुना गया है, 37वीं बार सूरत में निर्विरोध चुनाव हुआ है। यशवंत राव चौहान कांग्रेस के दिग्गज नेता चुने, फारूक अब्दुल्ला भी चुनकर आए हैं, डिंपल यादव भी चुनकर आई हैं। तब तो कोई नहीं बोलता, आप लोग भी नहीं बोलते हो, कुछ पत्रकार तो ऐसे हैं उस समय का और आज का, दो ट्वीट में रखूं तो उनके शायद बदन पर एक भी कपड़ा ना बचे। वो कहते थे जब उनका निर्विरोध हुआ था तब उनके ट्वीट है, ट्वीट मतलब ट्विटर नहीं था उस जमाने में, बिल्कुल मगर कहते हैं बहुत अच्छी प्रक्रिया शुरू हुई है, सर्वसहमति से हो रहा है। आज वो रोना धोना रो रहे हैं। मैंने तो मेरे जीवन में इतने एक ही चीज पर अलग स्टैंड एक ही व्यक्ति के देखे नहीं अभी। आप कहने कुछ और वाले थे, फिर आपने बदल दिया सेंटेंस। नहीं मैंने नहीं बदला। देखिए तकलीफ ये है कि कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, जोर जबरदस्ती सबको खड़ा कर रहे हैं। अब उसमें से एक दो लोगों ने विड्रॉ कर दिया, हम क्या कर सकते हैं उसमें?